अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डेली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिरोजा के मुतालिक और आपको दिखाएंगे कि फिरोजा की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि जो ओपेक पत्थर होते हैं यानी जो बंद पत्थर होते हैं, अंदर से लाइट उनके पास नहीं हो सकती, तो वो मोस्टली बहुत सस्ते पत्थर होते हैं। और जब उनसे प्राइस की बात की जाती है तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये इतना महंगा तो नहीं होता, कि आप इतना महंगा बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको फिरोजा के मुतालिक यानी टर्कोइज के मुतालिक आपको बताऊँगा, जो हिस्ट्री में ऑलरेडी बिक चुके हैं, जो अवेलेबल है मार्केट में स्टोन, इस तरह के महंगे पत्थर हैं और वो है बिल्कुल टर्कोइज, और किस किस रीजन के हैं, रीजन वाइज आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि जो लोग ये बात कहते हैं कि फिरोजा इतना महंगा नहीं होता, उनको ये पता चल जाए कि फिरोजा इतना महंगा हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों, जो ईरान का फिरोजा है ये बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन हर पत्थर एक ही माइन से निकला हुआ महंगा नहीं होता। उसके अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन इस तरह की आ जाती है, उसका कलर इस तरह से हो जाता है, क्योंकि बेसिकली पत्थरों का जो कलर होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर किसी चीज़ में, किसी स्टोन में ऐसा कोई मिनरल आ जाता है बीच में जो कि बहुत अच्छी क्रिस्टलाइजेशन करता है, उसका कलर बेहतरीन कर देता है, क्लैरिटी बहुत खूबसूरत हो जाती है और स्टोन जो है वो बहुत साफ हो जाता है, तो इस वजह से पत्थर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब ये कॉन्सेप्ट एक आम कॉमन कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, लोग कहते हैं कि इस चीज़ की प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी है और बहुत कम भी है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं जो आपको स्टोन बताने जा रहा हूँ, जो हिस्ट्री में ऑलरेडी बिक चुके हैं ये पत्थर, वो पत्थर मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये प्राइस किस तरह से ज़्यादा और कम से कम हो जाती है इस तरह से। तो रॉयस्टन रिंग, एक जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत रिंग बनी हुई है। इसके अंदर जो स्टोन लगा हुआ है आप देख सकते हैं, वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, आप बखूबी देख सकते हैं इस रिंग को, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस है। और एक रिंग की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 2 लाख के आसपास है, पाकिस्तानी बीच में 2 लाख रुपया तकरीबन ये बनता है इस वक्त जो करेंसी रेट जा रहा है। तो 2 लाख रुपए की एक अंगूठी, जिसको हम नॉर्मल स्टोन बोलते होते हैं, जिसको हम महंगा स्टोन नहीं बोलते, वो आप देख सकते हैं ये कितना जो है वो महंगा स्टोन है। अब इसका वजन की अगर बात कर लें, 10, 20, 30, 50 कैरेट, 100 कैरेट भी अगर आप कर लें, तो 100 कैरेट की वैल्यू भी 2 लाख नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो है वो क्यों ज़्यादा होगी है। वैल्यू इसी वजह से ज़्यादा है जो मैंने पहले आपको बात शुरू में बता दिया कि मिनरल जो इसके अंदर होते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी क्वालिटी के ऊपर होता है। उसके बाद निवाजो किंग मैन टर्कोइज है, ये आप समझ लेंगे जैसे पैंट जब पहनते हैं तो उसके अंदर जो बेल्ट होता है, उसका जो बकल होता है आगे सामने, वो लोगो बना होता है, वो चीज़ है। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसके ऊपर कुछ स्टोन लगे हुए। तो इन स्टोन्स की वैल्यू जो है वो तकरीबन 1,30,000 रुपये पाकिस्तान बनती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये पत्थर कितने बड़े हैं और इनकी वैल्यू कितनी है, और ये देख सकते हैं आप ये क्यों उतना महंगा है। डेफिनेटली इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इसको महंगा कर देती है, जो इसकी कीमत को बढ़ा देती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्यूटीफुल लार्जर टर्कोइज है ये, और बीड्स की शक्ल में है, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये जो बीड्स हैं ये आप समझिए कि एक स्ट्रिंग है, जैसे तस्बीह होती है, इस तरह से ये चीज़ बनी हुई है। तो इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 70,000 रुपये के आसपास है, जबकि यहाँ बीड्स आम मार्केट में जो मिल जाते हैं ये आपको 1500, 2000, 3000 की तस्बीह पूरी मिल जाती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू का इतना होना कोई मायने रखता है, कोई उसके अंदर कोई ऐसी खसूसियत है तो इसकी कीमत इस तरह से। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अगला जो नेक्स्ट हमारा स्टोन है, इसमें स्लीपिंग ब्यूटी करके इसका नाम है, स्लीपिंग ब्यूटी टर्कोइज है, और ये टेनिस नेकलेस बना हुआ है और इसमें इसकी जो कीमत है तकरीबन 60,000 रुपये पाकिस्तानी बनती है। और आप देख सकते हैं ये जैसे हमारी मार्केट में जैसे आमतौर पर हम स्टोन बेचते हैं, जो सस्ते स्टोन होते हैं, उनकी वैल्यू को अगर लेके हम कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट 5,000 का भी बढ़ता जा रहा, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू 60,000 रुपये है। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी कोई खसूसियत है, तो इसी वजह से ये महंगा। और इसके बाद अगर हम बात करें थॉमस बाइल्ड नेटिव अमेरिकन जो है, ये एक निवाजो स्टर्लिंग सिल्वर टर्कोइज ज्वेलरी में बना हुआ है, तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी भी ब्यूटी आप नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ये इतना अच्छा आपको नहीं लग रहा, आम नॉर्मल सा स्टोन लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी अगेन वही बात है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। तो यही एक्चुअल मैटर होता है कि जो चीज़ें महंगी होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई खसूसियत ऐसी होती है जिसकी वजह से वो महंगे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जिस पत्थर को हम हमेशा समझते हैं कि ये महंगा पत्थर नहीं है, वो पत्थर महंगे भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। और महंगे
हिस्ट्री में बिक चुके हैं और गाय टू गाय मार्केट के अंदर इस तरह के पत्थर आते रहते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जो हमारी सोच से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसके साथ मुझे जाजी जी, अल्लाह हाफिज़।